आज का मेन टास्क है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इलेक्ट्रिक में ये इलेक्ट्रो का जब मैं वर्ड यूज करता हूँ, उसका वर्ड होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक, ठीक है। एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है योर चार्जेस, दे आर एट रेस्ट, बराबर। सो चार्जेस एट रेस्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या नॉट एन इशू, इधर हम लोग प्रूफ वगैरह करने वाले। तो कौन है? मनस। मनस बेटा आज हम लोग प्रूफ वगैरह करने वाले थोड़ा बहुत, सो इट्स अप टू यू बेटा, नॉट एन इशू, ठीक है। तो चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग क्या पढ़ने वाले? चार्जेस एट रेस्ट। तो मैंने टॉक अबाउट चार्जेस, सबसे पहले चार्जेस का मतलब क्या होता है? तो हमें जो चार्जेस का बात हमें पता है, पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे हम लोग बेसिक्स, और फिर हम लोग विल जंप टू द कॉन्सेप्ट्स, ओके। चार्जेस का जब मैं बात करता हूँ, चार्जेस कितने तरीके के होते हैं? चार्जेस दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके तुम्हें पता है? एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, बराबर। सो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो बेस्ड ऑन दिस हमें चार्जेस का क्या क्या प्रॉपर्टी हमें पता है, हमें चार्जेस का, ये सारे चार्जेस का हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पता होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, योर चार्ज इज समथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी, बराबर। चार्ज होता है तुम्हारा स्केलर, एक सेकेंड है, ठीक है, ठीक है बेटा, एक ही मिनट है। हाँ चलो, अभी थोड़ा मोमेंट कम हो जाएगा। तो फर्स्ट फर्स्ट मैंने क्या बोला, तुम्हारा चार्ज क्या होता है? तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है, बराबर। दूसरा होता है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। तुम्हारा होता है दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या बात कर सकते हैं? दैट द चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर। तुम्हारा चार्जेस कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिस्टम का मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर एक सिस्टम में अगर हम लोग बोलते हैं कि उसका नेट चार्ज, नेट चार्ज अगर है उसका 5 कूलम, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके अंदर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, 5 नेगेटिव चार्ज रहेगा, और उसका नेट आउटपुट विल बी 5 कूलम। तो वैसे करके भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो दूसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा होता है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब तुम्हें समझते हैं? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि भाई तोड़ना, बराबर। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्यू, कैपिटल क्यू इज समथिंग बट योर n टाइम्स ऑफ e, ये होता है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो e का वैल्यू क्या होता है? तुम्हारे e का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये एकदम बेसिक्स हो गया तुम्हारा, बोलते हैं ना कि एकदम बेसिक लॉजिक तुम्हारा हो गया कि भाई तुम्हारा चार्ज क्या होता है, बराबर। हम लोग बोलते हैं चार्जेस एट रेस्ट, तो चार्जेस क्या होते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर बात किया, राइट। अच्छा, अभी यही चार्जेस के हिसाब से जब रेस्ट पे तुम्हारे चार्जेस होते हैं, तो डेफिनेटली यू ऑलमोस्ट नो वन मोर थिंग कि भाई जब मैं चार्जेस का तुम्हारा बात करता हूँ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो तुम्हारा दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें से तुम्हारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलते हैं, राइट, बराबर। ये जैसे तुम्हारे लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनका फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनके प्रॉपर्टीज हम लोग बचपन में ऑलरेडी देखे हुए हैं कि भाई तुम्हारे लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो भी उसका डायरेक्शन रहता है दैट इज टेंजेंशियल। तो उस हिसाब से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है। तो चलो, ये क्या हो गया तुम्हारा चार्जेस एट रेस्ट, और वो ये जो तुम्हारे है चार्जेस, वो चार्जेस से तुम्हारे लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगे। अभी ये जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, इसके हिसाब से हम लोग क्या वर्किंग करते हैं? हमारे मिलता है तुम्हारा अलग अलग लॉ। जो सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो था अपना कूलम्ब बाबा। तो कूलम्ब बाबा ने हमें क्या दिया था? इधर दिया था कूलम्स लॉ, बराबर। कूलम्स लॉ दिया था, क्या था तुम्हारा कूलम्स लॉ, किसी को याद आ रहा है? एकदम फोर्स का एकदम सिंगल फॉर्मूला उसने दिया था। क्या फॉर्मूला था? एफ इज समथिंग बट इक्वल्स टू 1/4πε₀Q1Q2/r², बराबर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तुम्हारा परमिटिविटी, ठीक है।
एक सेकेंड है। हाँ क्या हुआ? टिल्टेड ठीक है। अरे वो दिख रहा है ना, पर कोमल दिख रहा है ना अच्छे से? अरे दिख रहा है ना। ओके अच्छा वैसे हो रहा है क्या? हाँ तो नहीं, तो ऐसे ही स्ट्रेट ही रखते हैं अपन, ठीक है, नॉट एन इशू। तो अपन ये स्ट्रेट ही रखते हैं, ठीक है, तो आई गेस इशू नहीं होगा। ओके समझा समझा क्या हुआ तुम्हारे साथ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे स्ट्रेट ही रखते हैं। नहीं, वो अभी वो ऑलरेडी मेरा ऑटो रोटेट ऑन ही है, वो फिर भी नहीं होगा। वो ऑटो रोटेट ऑन ऑन करके भी वो नहीं हो रहा है। सी अभी ये मैंने इस तरीके से किया। अच्छा अभी अभी दिख रहे हैं तुम्हें अच्छे से ये ऑटो रोटेट? दिख रहा है अभी सबको अच्छे से? दिख रहा है, हो गया ना? हाँ चलो ग्रेट ग्रेट। तो पहले क्यों नहीं हुआ? ऑटो रोटेट ऑन ही था। चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, यस, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो ये फोर्स क्या है? ये किसका था तुम्हारा? कूलम बाबा ने लॉ दिया था। कूलम लॉ क्या था तुम्हारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² बराबर। अभी ये इसके हिसाब से हमें क्या पता चला कि भाई कूलम ने हमें फोर्स का हमें वैल्यू सब बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुम्हें पता है ना भाई क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ होता है, राइट? ये होता है ना उसका वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा इसका वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, कि भाई मीडियम कितना परमिट करेगा, कि ये दोनों चार्जेस जो है, ये दोनों चार्जेस को वर्किंग करने के लिए मीडियम तुम्हारा कितना परमिट करेगा, वो इधर हम लोग इधर इस तरीके से डिफाइन करता है, बराबर। चलो अभी उस इसको अगर वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं? तो समझ लो कि जैसा टू चार्जेस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये इसको नाम देते हैं हम लोग +Q1, इसको नाम देते हैं +Q2, ठीक है। तो चलो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। तो +Q1, ये +Q1 धक्का किसको मारेगा? Q2 को धक्का मारेगा। तो Q2 को फोर्स कितना लगेगा? ये साइड फोर्स लगेगा Q2 को, ये साइड फोर्स लगेगा Q2 को। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑन टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑन टू विद रिस्पेक्ट टू वन, राइट? कि भाई दूसरा दूसरे पे फोर्स लग रहा है वन की वजह से, राइट? और इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका वेक्टर डायरेक्शन क्या है? इधर से इधर, राइट? वन टू को धक्का मार रहा है, तो इसका वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ आर कैप टू वन यूनिट वेक्टर, बराबर ना? इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ये आर कैप टू वन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये टू भी तो वन को धक्का मारेगा। तो जब ये टू वन को धक्का मारेगा तो कैसे हो जाएगा? ये इधर से ऐसे जाएगा, ये वन पे धक्का, बराबर। तो इसको हम लोग बात कैसे करेंगे? फोर्स ऑन वन विद रिस्पेक्ट टू टू, बराबर ना? टू ने धक्का मारा वन को, तो फोर्स ऑन वन विद रिस्पेक्ट टू टू, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये धक्के का डायरेक्शन, तो ये धक्के का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, राइट? तो ऐसे यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? आर कैप वन टू। देखो मैं एकदम बेसिक से मैंने ये रिवीजन स्टार्ट किया, एकदम बेसिक लेवल से, बराबर। तो ये थोड़ा अच्छे से समझ के लो। ये हो गया तुम्हारा फोर्स, बराबर। ये फोर्स का पूरा तुम्हारा लॉजिक हो गया। ये होता है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट। इधर हम लोग एप्सिलॉन नॉट अगर मीडियम रहता है, वी राइट इट एज एप्सिलॉन नॉट के, इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। एप्सिलॉन नॉट होता है तुम्हारा परमिटिविटी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने तुम्हें डायरेक्टली दे दिया, सो दैट तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻¹². इधर लिख दो नीचे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻¹², ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, विच इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का तुम्हारा ये वाला वैल्यू हो जाता है, तो फोर्स या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो वेयर अगर हम लोग इसको एप्सिलॉन लिखते हैं ना, फॉर इफ इन केस, तो ये क्या हो जाता है? एप्सिलॉन इज समथिंग बट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है, ठीक है। अगर के इज समथिंग बट डाइलेक्ट्रिक, फंडामेंटल्स क्लियर? ये हो गया तुम्हारा फोर्स, कूलम्स लॉ, और ये हो गया तुम्हारा फोर्स। देख लो पूरा एक बार, ओवरव्यू कर लो, ठीक है। ये फंडामेंटल्स था। चलो अभी फोर्स के रिस्पेक्ट से हमें दूसरा कॉन्सेप्ट मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है दूसरा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलो इधर लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी का मतलब मैंने तुम्हें बचपन में सिखा दिया था, इंटेंसिटी का मतलब होता है चमाट, ठीक
क्या होता है इंटेंसिटी का मतलब? इंटेंसिटी का मतलब होता है चमट। हम लोग चमट कैसे मारते हैं? खींच के देते हैं, बराबर। फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट क्वांटिटी इज नथिंग बट योर इंटेंसिटी। तो हमेशा याद रखो, इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड ऑन योर टेस्ट क्वांटिटी। किधर भी चले जाओ इंटेंसिटी का मतलब नहीं चेंज होता ही नहीं है। तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाओ, तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड में चले जाओ, तुम लोग ग्रेविटेशन में चले जाओ। ग्रेविटेशन उधर भी तुम लोगों ने किया था, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी उधर भी यही था, फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी। उधर टेस्ट क्वांटिटी था तुम्हारा मास, इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहे हैं, तो टेस्ट क्वांटिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा? टेस्ट चार्ज, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड में रहोगे तो टेस्ट क्वांटिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक ही होता है, क्वांटिटी तुम्हारे बदलते रहते हैं। ठीक है, एक सेकंड ना, क्या बोल रहे हो? आवाज का कुछ फर्क हो रहा है, एको हो रहा है क्या? हाँ, क्योंकि ये रूम खाली है ना, तो थोड़ा सा एको होगा। उसका एक सोल्यूशन कर सकते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। नहीं हो रहा एको, जरा सा हल्का सा एको होगा क्योंकि मैं अकेला हूं ना रूम में, मतलब रूम खाली है पूरा, इसके लिए तो थोड़ा होगा, लेकिन ठीक है, आई गेस उसका भी सोल्यूशन अपन कर सकते हैं अभी, शायद थोड़ा होगा। ठीक है, हाँ लगा दिया, लगा दिया अश्वथ। ओके चलो, सो इंटेंसिटी क्या होता है तुम्हारा? फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी, राइट। कभी भी किधर भी तुम्हारा इंटेंसिटी यही रहेगा। तो चलो, अगर तुम्हें चाहिए तो ये वाला जो फोर्स है, तो ये वाला फोर्स का जो फॉर्मूला हमने यूज किया, वो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो अगर ये फोर्स को अगर हम लोग ने रिसब्स्टिट्यूट कर दिया तो अपना काम हो गया, राइट। ये फोर्स को रिसब्स्टिट्यूट कर दिया तो अपना काम हो गया। तो चलो उसको रिसब्स्टिट्यूट करके बताओ क्या हो जाएगा। तो चलो पुट अप करते हैं, वन अपॉन इसके लिए हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि ये दो चार्जेस है, एक क्यू है और एक क्यू नॉट है, और दोनों के बीच में गैप आर है। तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा ये दोनों के बीच का? वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर द होल अपॉन क्यू नॉट, बराबर। ऐसा ही बन जाएगा, फोर्स के जगह पे वही फोर्स का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये वाला मैंने इक्वेशन पूरा ले लिया है, देखो ये इंटेंसिटी वाला मैं यूज कर रहा था, ठीक है। ये वाला पूरा मैंने इक्वेशन ले लिया और उसके हिसाब से ऐसे अपना वर्किंग हो गया, बराबर। तो देखो अभी इसके हिसाब से हम लोग ये काट कूट जो भी हो रहा है वो करो, देखो कोशिश करो, कटिंग वटिंग से हो रहा है तुम्हारा काम हो रहा है, फिर कुछ चीजें मैंने काट दी दो। तो चलो ये क्यू नॉट कट कर दो, क्यू नॉट कट कर दो। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा कुछ दिखाई देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो इंटेंसिटी का दो फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया, एक फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो तुम लोग फ्लो पकड़ो, क्या होता है फर्स्ट फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इधर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी चमाट, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पूरा इंटेंसिटी का वर्किंग हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी क्या होता है वो एक याद करो। कोई भी चीज का पोटेंशियल अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे वर्किंग कर सकते हैं उस चीज का? तो चलो अभी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इधर मैं लिखता हूं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो चलो पोटेंशियल का मतलब जनरल टर्म्स में क्या होता है? पोटेंशियल भी डिनोटेड बाय वी, ठीक है। जनरल टर्म्स में पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो चलो एकदम सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। देखो तुम्हारा आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन तो इधर ही हो जाएगा, जो पूरा बेसिक्स है ना मैंने ऑलरेडी रिवाइज पूरा करवा दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल का जनरल टर्म्स में मतलब क्या होता है? तो सी हम लोग पता है ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे मेरे बच्चे में तो बहुत तेज दिमाग है लेकिन वो काम नहीं करता है, बोलते हैं ना ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि यार पोटेंशियल तो बहुत है उसमें लेकिन वो काम नहीं करता है ना, अंदर की शक्ति। क्या बात है सर्वेश लेकिन ऐसा सुना रहेगा तुम लोग ने, है ना, कि यार पोटेंशियल तो बहुत है उसमें लेकिन हो नहीं पाता। हाँ बराबर हिमांशु, राइट। तो वैसा ही कुछ होता है तुम्हारा पोटेंशियल, काम काम करने की क्षमता है ऑफ योर टेस्ट क्वांटिटी,
उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल, बराबर। तो इन शॉर्ट हम लोग इसको ताना मार रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, काम करना मतलब वर्क डन अपॉन योर टेस्ट क्वांटिटी, वर्क डन अपॉन टेस्ट क्वांटिटी हो जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल का बात करूँ तो मैं जैसे वर्क डन भी तो निकाल ही सकता हूँ ना फिर, बराबर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू विल बी नथिंग बट वी क्यू नॉट, समझ में आया, समझ में आया। तो वी इज नथिंग बट डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू विल बी नथिंग बट वी क्यू नॉट, राइट। और इसका अगर फॉर्मूला तुम्हें चाहिए तो इसका फॉर्मूला हम लोग प्रूफ भी करते हैं आगे, आगे चल के प्रूफ करते हैं। लेकिन अगर इसका जनरल फॉर्मूला चाहिए तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और ये फॉर्मूला हम लोग इसमें रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला सब तुम्हें मिल गया हर एक में, देखो एक बार नजर घुमाओ। वर्क डन अपॉन टेस्ट क्वांटिटी पोटेंशियल होता है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन मिल जाएगा। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला जो हम लोग प्रूफ करते हैं आगे बढ़ के, एज ऑफ नाउ ये देख लो फॉर्मूला, अगर याद रखना है तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलो क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इंटेंसिटी क्या होता है क्यू बाई आर स्क्वायर, बराबर। इधर दो चार्जेस और आर स्क्वायर, इधर एक चार्ज हट गया और आर स्क्वायर, अभी इधर और एक आर भी हट जाएगा, देखो इधर और एक आर भी हट गया पोटेंशियल में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। और इधर सिर्फ क्या आ जाता है तुम्हारा टेस्ट क्वांटिटी वर्क डन में एक्स्ट्रा आ जाता है, क्यू नॉट का टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, समझ में आया। क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, बराबर। एक तुम्हारा दो चार्ज और आर स्क्वायर, इधर एक चार्ज और आर स्क्वायर, इधर एक चार्ज और आर, ठीक है पोटेंशियल में। और इधर सिर्फ टेस्ट क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, देखो पूरा फंडामेंटल्स क्लियर हुआ, ये समझ में आया सबको, देख लो पूरा बेसिक्स पूरा मैंने ब्रशअप करवाया तुम्हें यहाँ पर, एक एक छोटा छोटा बेसिक्स मैंने तुम्हें करवाया, देख लो। और हाँ या ना कुछ रिप्लाई करते जाओ, ठीक है। क्लियर लॉजिक, मजा आ रहा है लॉजिक में बैठा पूरा, सारा फॉर्मूला लिस्ट कैसे मैंने किधर से मैं कैसे मैं लेकर आया सारा चीज, बराबर। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा डिजाइन हो जाता है, ठीक है। अगर चाहिए मैं तुम्हें और एक बार लिखूं क्या, देखो फोर्स हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर, इंटेंसिटी फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, देखो एक क्यू हट गया, बराबर। फिर आता है पोटेंशियल, अभी एक आर भी हट जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट क्वांटिटी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है। और लास्ट आता है तुम्हारा वर्क डन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है वी क्यू नॉट, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, देख लो पूरा समझ में आया। देखा 2 क्यू आर स्क्वायर, एक क्यू हट गया क्यू आर स्क्वायर और एक आर हट गया और क्यू क्यू नॉट आर, ये तुम्हारा आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर ही उड़ गया, जनरल फॉर्मूला का भी करवा दिया मैंने पूरा, समझ में आया। ये सब उड़ा दूँ, ये सब उड़ा दूँ, इरेज कर दूँ ये सब कुछ, ठीक है ये सब कुछ इरेज कर दूँ, ये जनरल फॉर्मूला तुम लोग ने ऐसा ये फ्लो फ्लो करके बना दिया, पूरा एक फ्लो बना दिया, चलो इससे ज्यादा जूम आउट नहीं होगा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। और भी करवा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ।
चलो देखो अभी दूसरा हम लोग और क्या कर सकते हैं, एक एक काम करते, पूरा बेसिक से एक बार है ना पढ़ लेते हैं, बेसिक से एक बार है ना पूरा पढ़ लेते हैं, फिर क्या अपना एक लॉजिक अपना सबका क्लियर हो जाएगा। अच्छा अभी इसके बाद तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बराबर। फ्लक्स तुम्हें याद है, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, बराबर। तो चलो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स को अगर तुम्हें याद रखना है, याद रखो दरवाजा, डोर, डोर से हम लोग कैसे अपना एंट्री एग्जिट कैसे होता है डोर में से, ये डोर है राइट, तो हम लोग या तो सीधा अंदर आते हैं, सीधा अंदर बाहर करते हैं ना, परपेंडिकुलरली अंदर बाहर हम लोग करते हैं राइट डोर में, तो फ्लक्स में वैसे याद रखो, फ्लक्स में क्या रखो, याद रखना है तुम्हें पता है क्या, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया, क्या क्या याद रखना है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक एरिया है, ये एरिया डीएस है और ये उसका एरिया वेक्टर है, डीएस वेक्टर मतलब ये अंदर बाहर इधर से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये वैसे ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है ठीक है। तो चलो अभी ये डीएस है और इधर से तुम्हारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहे हैं, टेढ़े जा रहे हैं ठीक है, ये टेढ़े तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसा टेढ़ा जा रहा है। सो द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर डीएस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल विल बी थीटा, बराबर। तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करूँ इधर, तो ये डीएस है, एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं पूरे का ई बार, एंगल थीटा हो जाएगा, तो इसको रिजोल्व कर सकते हैं हम लोग राइट। तो चलो इसको रिजोल्व करते हैं, तो कैसे रिजोल्व करेंगे हम लोग इसको, तो चलो यस वेरी गुड, वेरी गुड सर्वेश। तो ये साइड क्या आ जाएगा तुम्हारा, ई कॉस थीटा, और इधर ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ई साइन थीटा, यस। तो ई साइन थीटा कुछ तो बैलेंसिंग कंडीशन में वो उड़ जाएगा, तो इसको जाने दो। तो बचा क्या, ये ई, ई को तो हम लोग ने रिजोल्व कर दिया, दो पार्ट आ गया, तो डीएस और ई कॉस थीटा दोनों एक ही लाइन पे, एक ही एक्सिस पे दो वेक्टर्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ई डीएस कॉस थीटा, तो फ्लक्स बार इज नथिंग बट ई बार डॉट डीएस बार इन वेक्टर फॉर्म। समझ में आया, याद आ रहा है कुछ, ऐसे अपन ने वर्किंग किया था बराबर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा फ्लक्स, दूसरा क्या होता है तुम्हारा, दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट, दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा डाइपोल का। देखो ये सब बेसिक है ना, नेसेसिटी है। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा डाइपोल का ठीक है। डाइपोल क्या होता है तुम्हारा, टू पोल्स टूगेदर, बराबर ना, क्या होता है डाइपोल तुम्हारा, टू पोल्स टूगेदर। तो इधर क्या आता है तुम्हारा, इधर प्लस क्यू, इधर आता है तुम्हारा माइनस क्यू, ये दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप फ्रॉम द सेंटर, कैसे हम लोग लेते हैं इसका गैप याद है, हाँ यस परपेंडिकुलर है बेटा, ये परपेंडिकुलर है ठीक है। तो दोनों के बीच का गैप कैसे लेते हैं, सेंटर से लेके गैप लेते, कभी भी याद रखना, मेजर स्टूडेंट से मेक मिस्टेक कि भाई लेंथ ऑफ द डाइपोल बोल दिया, तो लेंथ ऑफ द डाइपोल एल, एल वो लोग ले लेते हैं, तो लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना होता है तुम्हारा, 2L होता है, कभी भी याद रखो। तो इधर से लेके इधर तक तुम्हारा क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2L ठीक है। तो अगर मुझे भी डाइपोल का मोमेंट निकालना है बराबर, तो दोनों के चार्जेस सेम है लेकिन दोनों के चार्जेस का डायरेक्शन अलग अलग है, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव है, तो अगर डाइपोल मोमेंट मुझे चाहिए, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, पी, पी वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, तो पी इज नथिंग बट क्यू इंटू 2L, ये हो जाता है इसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, क्यू इंटू 2L मतलब ये डाइपोल को तुम्हें घुमाना है ठीक है, ये डाइपोल जो है ये डाइपोल को मोमेंट में लाना है, तो अगर तुम्हें डाइपोल को मोमेंट में लाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2L से उसका लेंथ उसका लेना पड़ेगा ठीक है। तो P विल बी नथिंग बट Q इंटू 2L बराबर, Q उसका चार्ज हो जाएगा, 2L क्या है उसका लेंथ ऑफ द डाइपोल, कभी भी डाइपोल का लेंथ सेंटर से लेते हैं, सेंटर से लेके एक चार्ज, सेंटर से लेके दूसरा चार्ज, इसका लेंथ L, इसका लेंथ L, पूरे को अगर घुमाना है, समझ लो कि ये डाइपोल है ठीक है, अगर ये डाइपोल है तो इसे घुमाना है, तो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक एक जगह माइनस क्यू, एक जगह प्लस क्यू, सेंटर से लेके हम लोग लेंथ लेते हैं, तो अगर ये डाइपोल को मूवमेंट में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2L से उसको मूव करना पड़ेगा, ये पूरा लेंथ उसका 2L है, बस वही मैंने इधर ही बताया ठीक है।
सो ये हो जाता है तुम्हारा डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। और लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है तुम्हारा, बस ना और कुछ पढ़ते हो क्या तुम लोग? टॉर्क, एक टॉर्क भूल गए अपन। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं इधर ऊपर। टॉर्क होता है तुम्हारा पीई साइन थीटा, ठीक है? क्या होता है टॉर्क? ओके, टॉर्क टाउ। सो टाउ का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। पी होता है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, ठीक है? क्यू इंटू टू एल होता है ये। P का होता है Q इंटू टू एल। कूल, इस तरीके से तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला बन जाता है। और दूसरा फिर क्या निकलता है तुम्हारा, और कुछ होता है? और कुछ पढ़ दो। बी एट एक्सिस और बी एट इक्वेटर तुम लोग कर देते हो। तो चलो एक लास्ट, एक बेसिक में देख लेते हैं, फिर अपन फिर टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। एक होता है बी एट एक्सिस, बी एट एक्सिस मैग्नेट, बी एट एक्सिस नहीं, ई एट एक्सिस, ई ई एट एक्सिस बराबर। ई और बी दोनों का सेम ही फॉर्मूला आता है। अच्छा, एक्सिस इक्वेटर क्या होता है, ये अपना डाइपोल पे लगता है, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, ये होता है तुम्हारा एक्सिस एंड इक्वेटर बराबर। तो ये होता है तुम्हारा एक्सिस और ये होता है तुम्हारा इक्वेटर बराबर। तो अगर तुम्हें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, ठीक है? सो R क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग इधर जो भी पॉइंट एलिमेंट लेंगे उसका सेंटर से लेके गैप, जो पॉइंट P रहेगा ना, जो पॉइंट जो भी हमें ढूंढना रहेगा, जो टेस्ट चार्ज रहेगा इधर क्यू नॉट बराबर प्लस क्यू नॉट, तो उसका सेंटर से जो भी गैप रहेगा उसको हम लोग लेते हैं ये, ठीक है? वो तुम्हारा आर हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा बी एट एक्सिस का, और दूसरा होता है तुम्हारा बी एट इक्वेटर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। देख लो पूरा पूरा बेसिक्स, मैंने पूरा बेसिक्स करवा दिया, एंड टू एंड पूरा का पूरा बेसिक्स मैंने करवा दिया। चलो अगर बेसिक्स कर ही रहे तो एक चार्ज डेंसिटीज भी अपन देख लेते हैं। इधर लिखते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी, एक ही मिनट है कोमल, एक ही मिनट कोमल, ये लास्ट एक लास्ट देख ले फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तुझे वो लिखना है ना, ही मिनट रुक जा, गॉसेस लॉ सीखा ही नहीं, उधर तक पहुंचे ही नहीं अभी तक, गॉसेस लॉ इसके बाद आएगा, ठीक है? तो आज मेन तो वही है, गॉसेस लॉ से स्टार्ट करना था, ये सब तो बेसिक्स हो गया, ठीक है? चलो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी देयर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरीके के चार्ज डेंसिटीज होते हैं। कौन से तीन तरीके के? एक होता है तुम्हारा लीनियर चार्ज, एक होता है तुम्हारा सरफेस चार्ज, और एक होता है तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये डिनोटेड बाय लैम्बडा सिग्मा एंड रो, लैम्बडा सिग्मा रो, ठीक है? तो लैम्बडा क्या होता है तुम्हारा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं लैम्बडा इज नथिंग बट टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं ना बराबर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एंड हियर वी एंड विद आर एंटायर बेसिक्स, देख लो ये हो गया पूरा का पूरा तुम्हारा चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज, ठीक है? ये फंडामेंटल तुम्हें क्लियर हुआ? देखो एक बार, पूरा लॉजिकली क्लियर हुआ, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। ट्रस्ट मी, ये पूरा जो अगर तुम लोग को इतना बेसिक आ गया ना तुम्हें, तो तुम्हारा काम 100% पूरा हो जाएगा, पूरा एंड टू एंड तुम्हारा काम हो जाएगा, ट्रस्ट मी, एकदम सही तरीके से तुम्हारा, बिकॉज मैक्सिमम पूरा बेसिक्स मैंने करवा दिया। अभी इतना बेसिक्स है ना, तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर आएगा तुम्हें, देख लो ये इतना बेसिक्स है ना। हाँ ये ले, देख लो ये वाले फॉर्मूला चाहिए,
एक्सिस पे और इक्वेटर पे, इक्वेटर पे तुम्हारा टेस्ट क्वांटिटी किधर आ जाएगा, इक्वेटर पे, तो यहाँ पर टेस्ट क्वांटिटी आ जाएगा प्लस क्यू नॉट, बराबर। क्या हुआ कोमल? हाँ कोमल, 1 मिनट भाई। हर्ष क्या हो गया? अच्छा ओके 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 हर्ष, कोई बात नहीं। हाँ तो इसके अंदर क्या होता है कि बी एट एक्सिस का फॉर्मूला तो ये चाहिए ना, तो हम लोग, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो डाइपोल को हम लोग, डाइपोल पे टेस्ट क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर रखते हैं, एक्सिस पे रखते हैं, तो उसका फॉर्मूला, उसका प्रूफ है, अरे बी नहीं, सॉरी गलती से लिख दिया बी मैंने, सॉरी 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 सॉरी, अरे बी नहीं है रे, ई है, ई, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी गलती से बी लिख दिया मैंने, अरे इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, ये ई एट एक्सिस एंड ई एट इक्वेटर, गलती से मैंने बी लिख दिया उसको, इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी एट एक्सिस एंड इंटेंसिटी एट इक्वेटर, अरे मैंने मैग्नेटिक फील्ड समझ के लिख दिया, सॉरी सॉरी। हाँ तो वो जब भी हम लोग इंटेंसिटी एट एक्सिस निकालना है तुम्हें, तो हम लोग चार्ज को एक्सिस पे रखते हैं, टेस्ट चार्ज को, तो इसका फॉर्मूला ये आता है 2P/R³। हाँ अरे वो गलती से मैंने लिख दिया, मेरे दिमाग में पता नहीं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गया। हाँ पूरा 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 बता रहा हूँ ऋषिकेश, और ये देख कोमल, ई एट इक्वेटर 1/4π0 P/R³, पी क्या होता है तेरा डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला क्यू इंटू 2L, ठीक है। समझ में आया? चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो ग्रेट। ये देख ऋषिकेश देख लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें सब कुछ हमका, ये वाला फॉर्मूला 1/4π0Q1Q2R² 1/4π0Q/R² Q/R और Q Q Q0R, तो ये इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला देखो ना, मैं कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूँ इंटेंसिटी के फॉर्मूला को, ये जो इंटेंसिटी का है ना फॉर्मूला, उसको मैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, बता सकते हैं कोई? इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, मैं ये फॉर्मूला को, ये R² को R into R लिख दिया मैंने, बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4π0Q/R into R, तो 1/4π0Q/R को मैं V लिख सकता हूँ, यही होता है तुम्हारा V Q/R, बराबर, तो ये फॉर्मूला क्या बचेगा पता है, V/R, याद रखना काम का चीज है, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो समझ में आया? अरे मनस क्या करूँ यार, आज मुझसे गलती हो गई यार। इसके लिए वरना क्वेश्चन मार्क बहुत सर्वेज था। आए ना इसके क्वेश्चंस, आएंगे भी और भी आएंगे, तो देखो मैंने पूरा तुम्हारा बेसिक्स देख लो, पूरा बेसिक्स एंड टू एंड, देखो पूरा बोर्ड मैंने भर दिया है, देखो पूरा बेसिक्स देख लो, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लो, इधर से देख लो सब लोग अच्छे से, पूरा बेसिक्स मैंने करवा दिया, ये पूरा 11th स्टैंडर्ड हो गया तुम्हारा, पता है क्या, ये पूरा 11वीं हो गया। हाँ कोमल, टॉर्क अभी आएगा, रास्ते में है टॉर्क, ठीक है, ये इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से मैंने सिखाया पोटेंशियल और वर्क डन, इधर से मैंने सिखाया ये जनरल फॉर्मूला सारे, फोर्स इंटेंसिटी पोटेंशियल वर्क डन कैसे लिखते हैं सबको, इधर से मैंने सिखाया टॉर्क, बराबर PE sin थीटा,
ये जैसे मैंने सिखाया फ्लक्स, दरवाजा जिसका एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया, बराबर। तो ई डी एस कॉस थीटा इसका इक्वेशन आया, और डाइपोल, डाइपोल होता है तुम्हारा क्यू इंटू टू एल, बराबर, टू एल लेंथ ऑफ द डाइपोल होता है, ठीक है। फिर इधर से मैंने तुम्हें सिखाया ई एट एक्सिस, ई एट इक्वेटर, एक्सिस इक्वेटर पे इंटेंसिटी कैसे मिलता है, डाइपोल के एक्सिस, डाइपोल है वो, ठीक है। तो डाइपोल पे जो डाइपोल होता है उसके एक्सिस पे, और डाइपोल होता है उसके इक्वेटर पे कैसे मिलता है, और इधर हम लोग ने किया चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्यू बाय एल, क्यू बाय ए, क्यू बाय वी, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वी आर डन विथ एंटायर बेसिक्स, ठीक है, देख लो, ठीक है। ये इरेज कर दूँ सब कुछ मैं, चाहिए तुम्हें तो, बोर्ड फुल हो गया है तो मुझे अभी इरेज करके दूसरा टॉपिक सिखाने के लिए इरेज करना पड़ेगा, कर दूँ कुछ चाहिए? इरेज कर दूँ उतना उतना फंडामेंटल्स क्लियर सबका, इतना बेस लॉजिक तो क्लियर ना। डाइपोल मोमेंट क्या ऋषिकेश, पूरा बोर्ड एक साथ तो वो ब्लर हो जाएगा थोड़ा इफेक्ट, ठीक है, क्लियर सबका? मैं एकदम मस्त, एकदम मस्त, ठीक है। तो पूरा बोर्ड समझ में आया तुम्हें, तो पूरा कर रहा था, लिखना है, लिखना है सब, क्या करूं मैं, या फिर मैं फोटो लेके बाद में भेज दूं, मैं फोटो लेके बाद में भेज दूं, और एल्स हाँ तो पोस्ट लेक्चर आई विल शेयर, ठीक है, आई थिंक दैट दैट विल गो गुड, ठीक है, ठीक है। तो एक ही मिनट रुक जाओ, हाँ हिमांशु, एग्जाम है ना तेरा, हिमांशु का एग्जाम है ना, ठीक है हिमांशु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एग्जाम खत्म, अगर ऑनलाइन एग्जाम है खत्म करके वापस आ जा, हाफ एन आवर में हो जाएगा, तब तक तो लेक्चर भी शायद खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो दो ही मिनट दे दो, मैं सिर्फ इरेज कर देता हूँ, फिर अपन गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट अपने तीन एप्लीकेशन हो जाए, गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो फटफट फट अपन एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक ही मिनट दे दो, आई इरेज दिस एंड आई कम बैक, एक ही मिनट रुक जाओ सब लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा वापस जिंदगी में, थोड़ा इम्पोर्टेंट चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा एक्चुअल एप्लीकेशन पार्ट, एक्चुअल एप्लीकेशन वाला सेगमेंट थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन, सो नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज गॉजेस लॉ, गॉजेस लॉ और उसका एप्लीकेशन हमें करना है। सो आज कोशिश करते हैं कि अपना तीन एप्लीकेशन अपन ट्राई करते हैं, कि कितना होता है एप्लीकेशन भी प्रूफ करना पड़ेगा ना। सो दो तीन एप्लीकेशन कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलो तो कोशिश करते हैं थोड़ा, तो फर्स्ट लिखते हैं गॉसेस लॉ, ठीक है।
चलो एक सेकेंड, तुम्हें ये एक पता है क्या, तुम्हें गॉसेस लॉ के बारे में जब हम बात करते हैं ठीक है, तो तुम्हें फ्लक्स का दो फॉर्मूला होता है, कौन सा दो फॉर्मूला तुम्हें पता है फ्लक्स का? चलो तो देखते हैं, इधर लिखते हैं गॉसेस लॉ ठीक है, इधर लिखते हैं गॉसेस लॉ। चलो तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला तो दो फॉर्मूला होते हैं फ्लक्स का, एक फॉर्मूला होता है ई ई बार डॉट डी एस बार इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर, और दूसरा फॉर्मूला होता है, हाँ वेरी गुड सर्वेश, दूसरा फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ चार्ज। चलो ये जो दूसरा फॉर्मूला है उससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, देखो एप्सिलॉन नॉट का टर्म ना हमेशा डिनोमिनेटर में ही आता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, नोटिस करो कभी भी, एप्सिलॉन नॉट का टर्म हमेशा तुम्हें जो भी मिलता है वो डिनोमिनेटर में ही आता है एप्सिलॉन नॉट का टर्म। तो इधर फ्लक्स क्या हो गया ई बार डॉट डी एस बार, इधर फ्लक्स क्या हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर। तो चलो अभी ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो देखो जितना फ्लक्स का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, कितने लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे एंड हाउ दे आर पासिंग, तो वो लोग नॉर्मली पास होने चाहिए बराबर, तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया वैसा होना चाहिए। तो देखो ये क्यू है राइट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीडियम भी तो चाहिए, मीडियम का क्या लेती देती होगा, तो अगर चलो ये दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूँ और अगर मैं एनक्लोज कर दूँ एक क्लोज सरफेस में, तो गॉस बाबा ने क्या बोला पता है क्या, उसने ऐसा बोला ई बार डॉट डी एस बार विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू, दोनों भी फ्लक्स ही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बट द कंडीशन इज ये पूरे का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं पूरे एरिया का एंड इट शुड बी एन एनक्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस मतलब ये तुम्हारा जो एरिया रहना चाहिए इसके अंदर सारे तुम्हारे चार्जेस रहने चाहिए, जो भी चार्जेस रहेगा, जो भी चार्जेस रहेगा एक क्लोज सरफेस के अंदर रहना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं रहना चाहिए, ये बाहर हो गया। तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना ये अंदर के चार्जेस का ही करेंगे, वरना अगर एक एनक्लोज सर्फेस एक बाउंड्री कंडीशन में नहीं दूंगा तो कैलकुलेशन विल बी क्वाइट डिफिकल्ट राइट। तो इसके लिए इसने एक क्या कर दिया, एक बाउंड्री कंडीशन दे दिया। तो अगर ये फॉर्मूला को तुम्हें लिखना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू, ये टोटल चार्ज था, इसको तुम लोग कैपिटल क्यू लिख सकते हो, टोटल चार्ज था तो समेशन ऑफ क्यू इसको लिख सकते हो नेट चार्ज। तो जितना भी नेट चार्जेस एनक्लोज इनसाइड द क्लोज सर्फेस इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, ये था तुम्हारा गॉसेस का लॉ बराबर। तो ये जितने भी चार्जेस एनक्लोज है उस तरीके से तुम्हारा गॉस बाबा ने ये लॉ दिया था, उसने बोला कि भाई गॉसियन सरफेस होना चाहिए, जो बाउंड्री कंडीशन था उसका नाम दिया गॉसियन सरफेस ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा गॉसियन सरफेस, ये था तुम्हारा गॉस बाबा का लॉ कि एनक्लोज सरफेस के अंदर सारे चार्जेस को ऐड कर दो यू विल गेट नेट इंटेंसिटी ठीक है, वही था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम है तुम्हारा एम्पियर लॉ इन योर मैग्नेटिक फील्ड, गॉस लॉ का भाई है वो एम्पियर लॉ है वो मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में नाम है उसका गॉस लॉ ठीक है, इतना फंडा सबको क्लियर। तो चलो अभी गॉस बाबा ने क्या क्या बताया, क्या गॉस बाबा ने हमें दिया तीन एप्लीकेशन, क्या दिया उसने, इसके हिसाब से हम लोग तीन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन योर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो चलो इधर मैं लिखता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है हर एक में, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो चलो अभी देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का जो हम बात कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। तो चलो पहले तो ले लेते हैं एक स्फीयर, चार्ज स्फीयर बराबर, ये हो गया तुम्हारा चार्ज स्फीयर, ये पूरा स्फीयर है और इस स्फीयर के ऊपर है तुम्हारे चार्जेस
ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा चार्ज स्पीयर, और स्पीयर के ऊपर है तुम्हारे चार्जेस। अभी गॉस बाबा ने क्या बोला, गॉस बाबा ने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, इसको एक लूप, एक बोलते हैं ना एक एनक्लोज सरफेस होना चाहिए, इसके आजू बाजू एक एनक्लोज गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो भले ही तुम्हारे ये चार्जेस है तुम्हारे पास, लेकिन इसको एनक्लोज सर्फेस के अंदर डालो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी पता है क्या, मुझे इसको एक एनक्लोज सर्फेस के अंदर डालना पड़ेगा। तो चलो इसको ना आजू बाजू अपन एक और एक स्पीयर बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सर्फेस, ये उसका एनक्लोज सर्फेस हो जाएगा। देखो समझ में आया, ये क्या हो गया उसका एनक्लोज सरफेस। चलो तो ये गॉसियन सरफेस और वो गॉसियन सरफेस का एनक्लोज सरफेस, ठीक है। तो चलो अभी इसके ऊपर मुझे इंटेंसिटी चाहिए, बराबर क्या चाहिए मुझे इंटेंसिटी। तो भाई इंटेंसिटी ढूंढने के लिए मुझे किधर ना किधर टेस्ट क्वांटिटी टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा। तो चलो वो टेस्ट क्वांटिटी टेस्ट चार्ज का थोड़ा वर्किंग देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इधर एक टेस्ट क्वांटिटी टेस्ट चार्ज को मैंने रखा है, फाइन। चलो सो अभी ये केस में कैसे हम लोग वर्किंग कर सकते हैं कि इधर लेट्स फॉर एग्जांपल कि मैंने पॉइंट पी को ले लिया, इधर रख दिया मैंने पॉइंट पी क्यों, ठीक है। सो इधर पॉइंट पी आया तो इसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस तुम्हारा बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो एक रेडियस भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इधर सेंटर से लेके इधर तक रेडियस को लेते कैपिटल आर, और ये बड़े वाले स्पीयर का रेडियस लेते स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर ले लिया और दूसरे का ले लिया मैंने स्मॉल आर, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट पी। अभी इधर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हर एक तरीके से बाहर निकलेगा ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो चलो मेरा टेस्ट चार्ज मैंने पॉइंट पी पे रखा है, टेस्ट चार्ज मैंने पॉइंट पी पे रखा है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर से सीधा जाएगा, ऐसे सीधा बाहर आएगा, इसको ई बार नाम दे सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। सीधा ऐसे बाहर आएगा, और इसका एरिया वेक्टर कैसे आ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डीएस बार परपेंडिकुलर, बराबर। तो ई बार और डीएस बार दोनों भी तुम्हारा सेम डायरेक्शन में, तो मैंने ई बार एंड डीएस बार दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, तो ई बार और डीएस बार दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया। तो कॉस 0 कितना होता है तुम्हारा 1, बराबर। तो चलो अभी इसके हिसाब से गॉसियस लॉ में डाल दो, बराबर। तो चलो गॉसियस लॉ क्या बोलता है तुम्हारा, एप्सिलॉन ई डी एस कॉस थीटा, बराबर उसी का उसने बात किया है, एप्सिलॉन ई डी एस कॉस थीटा हमें निकालना है, राइट। तो चलो हम लोग वो पुटअप करते हैं, तो गॉसियस लॉ के हिसाब से लेट्स पुट अप एप्सिलॉन, फ्लक्स इज नथिंग बट ई डी एस कॉस थीटा, फ्लक्स निकाल देते हैं, ठीक है। सो फ्लक्स इज नथिंग बट ई डी एस कॉस थीटा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 0, बराबर कॉस 0 कितना होता है 1, सो ई डी एस हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ई डी एस हो गया, बराबर। लेकिन अगर फ्लक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये छोटा सा एरिया है, अगर टोटल एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको इंटीग्रेट। तो चलो फ्लक्स इज नथिंग बट ये इसको डी फाई ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई ए ओवर अ क्लोज लूप, ठीक है। ई डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्जेस तुम्हारे चेंज नहीं हो रहे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अच्छा डी एस इज नथिंग बट एरिया वेक्टर, तो पूरा एंक्लोज सरफेस का एरिया अगर मैं ले लूँ तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, पूरा एंक्लोज सरफेस जो भी तुम्हारा चार्जेस है उसके हिसाब से अगर पूरे एंक्लोज सरफेस का अगर हम लोग एरिया ले लें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी एस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर एरिया, तो सारे एरिया का फ्लक्स आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। सरफेस एरिया ऑफ योर स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। चलो अभी दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरा, मेरे पास फ्लक्स का, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर ना। तो इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये अगर दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे करके मुझे पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो मैंने स्मॉल आर स्क्वायर लिया है, स्मॉल आर लिया है, बाहर का एरिया मैंने लिया है, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला इंटेंसिटी का। चमका कि नहीं चमका, समझ में आया ये क्या किया, बस यही जो गॉसियस लॉ था वही मैंने लगाया। ये ई डी एस, डी एस तुम्हारा एरिया, एरिया क्या कौन सा, पूरा स्पीयर, स्पीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेट करने के बाद, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन टोटल चार्ज, क्यू इज अ टोटल चार्ज, दैट्स इट, कर दिया।
अभी तुम्हारे पे है, तुम्हें जैसे खेलना है तुम लोग वैसे खेल सकते हो, अप टू यू। अभी देखो इसके अंदर मैं, अगर मुझे चाहिए ना तो आई कैन ऑल्सो अप्लाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो अंदर का स्पीयर है ना, अंदर का स्पीयर, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी तुम लोग लगा सकते हो। तो देखो वो अभी मैं तुम्हें अलग से दरवाजे में बताता हूँ। तो अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाना है तो क्यू अपॉन ए होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, बराबर। तो अंदर का स्पीयर लेना है ना, अंदर का स्पीयर लेना है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्जेस अंदर के स्पीयर पे है, बाहर तो हम लोग ने अज्यूम किया है, चार्जेस अंदर के स्पीयर पे है, तो ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए करेंगे तो ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई देगा। देखो अगर मुझे पुटअप करना हो तो क्यू अपॉन एरिया ऑफ स्पीयर इज 4 पाई, लेकिन रेडियस कौन सा आएगा, कैपिटल आर। अंदर का रेडियस क्या है तुम्हारा, कैपिटल आर है, तो अंदर का रेडियस मुझे लेना पड़ेगा, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? तो इधर से मैं क्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्यू विल बी नथिंग बट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बराबर। तो अभी ये मुझे इस तरीके से मिल गया, ठीक है। तो ये अभी पुटअप कर दो इसके अंदर जनरल फॉर्मूला में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर द होल अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, बराबर। तो चलो 4 पाई गया, 4 पाई गया, तो इंटेंसिटी का और एक फॉर्मूला क्या मिल गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी फॉर अ चार्ज स्पीयर, ये और एक फॉर्मूला तुम्हें मिल गया। ठीक है, विल फिनिश अर्ली ओनली टुडे, और जल्दी अपना खत्म हो जाएगा। देखो ये समझ में आया, एक बार थोड़ा नजर घुमाओ सब लोग। वही बात है ना। ठीक है, देख लो एक बार, इधर तुम्हारा गॉसेस लॉ ईडीएस वाला, अंदर स्पीयर नहीं होता। हाँ अगर सिर्फ चार्ज आता तो फिर टेंशन ही नहीं ना, ये इतना मगजमारी नहीं, फिर तो डायरेक्टली ऐड कर दो Q1 Q2 Q3, इसके ऐसा हो जाता फिर वो Q1 Q2 Q3 ऐड डायरेक्टली कर लेते अगर अंदर स्पीयर नहीं होता तो मगजमारी नहीं होता, कुछ भी मगजमारी नहीं होता फिर तो, टेंशन ही नहीं लाइफ में, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर, ठीक है। चलो सिमिलरली सिमिलरली हम लोग सिलेंडर का भी कर सकते हैं भाई, ऐसा ही सेम हम लोग ये इंटेंसिटी फॉर, ये हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर जो रहता है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर, उसके लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर निकालना है तो चलो निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर लॉन्ग स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर। तो लिखते हैं इंटेंसिटी फॉर इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर, इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर, ठीक है। इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर है, तो चलो इसमें फंडा तो तुम्हारा सेम ही होगा, फंडे तुम्हारे बदलते नहीं है, जो भी फंडे रहते हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं। तो देखो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इन्फाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर में बोल रहा हूँ, बराबर। तो ऐसे एकदम लंबा सा सिलेंडर आ जाएगा तुम्हारा, बराबर। एकदम लंबा सा सिलेंडर आ जाएगा तुम्हारा, कड़क वाला एकदम, बराबर। तो ये आ गया तुम्हारा इन्फिनेटली लॉन्ग सिलेंडर। चलो अभी इसके आजू बाजू क्या बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर क्या है तुम्हारा, ऑब्वियसली यू हैव योर चार्जेस ओवर दिस, इसके ऊपर तुम्हारे सारे चार्जेस हम लोग ने रख दिए, ठीक है। तो अभी ये इस पे अगर मैंने चार्जेस रख दिए तो चलो अभी वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो चलो अभी इसके ऊपर गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो कैसा दिखेगा, नहीं गॉसियन सरफेस इन्फाइनाइट नहीं होगा सरफेस, क्यों पता है क्या, कैलकुलेशन किस पे करूँ फिर, इन्फाइनाइट है तो वेयर टू डू कैलकुलेशन, तो गॉसियन सरफेस इधर हमें फाइनाइट लेना पड़ेगा, मतलब हम लोग ये पूरा नहीं लेंगे, ठीक है, पूरा नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे
एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे इसका, एक सेगमेंट ले लेंगे इसका। कळलं का तुम्हाला सगळ्यांना? खबर पड़े थे कि नहीं बताना? पूरे का लेके मतलब ही नहीं ना भाई, बना ना पूरे का लेकर। पार्ट पे अपन कैलकुलेशन करेंगे, जिस पे करना है वो उस पे अपन करेंगे। चलो वेरी गुड वेरी गुड, तो चलो कर लो। उधर कैसे अपन ने रेडियस वगैरह सब नाम दिया था, इधर भी थोड़ा नामकरण करते हैं बिचारे का। लावारिस तो नहीं छोड़ सकते इसको, बराबर? तो चलो इसका थोड़ा नामकरण करते हैं। इसका टोटल चार्ज कैपिटल क्यों नाम दे देते हैं, ठीक है? इसका सेंटर से रेडियस लेना पड़ेगा, तो इसका सेंटर से अपन रेडियस ले लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा टेढ़ा चलेगा, फाइन। तो सेंटर से रेडियस ले लेते हैं, सेंटर से रेडियस ये हो जाएगा इतना, कैपिटल आर लेते हैं, ठीक है? और बाहर तक का रेडियस ले लेते हैं, सेंटर से लेंगे वो भी रेडियस, वो स्मॉल आर ले लेते हैं। और ये जो लेंथ है ना, लेंथ गॉसियन सरफेस का, उसको एल ले लेते हैं, ठीक है? और पॉइंट पी किधर ना किधर लेना पड़ेगा हमें, तो चलो पॉइंट पी भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इधर हम लोग इसके ऊपर पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं, ये इधर है पॉइंट पी, ये डीएस वेक्टर का। तो इसके अंदर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइन्स ऑफ फोर्सेज बाहर निकलेगा, है ना? लाइन्स ऑफ फोर्सेज बाहर निकलेगा। तो चलो इसके अंदर से लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो बाहर निकलेगा कैसा दिखेगा वो, ये डीए, ये इधर से पूरा स्ट्रेट तुम्हारा लाइन्स ऑफ फोर्सेज बाहर निकलेगा, बराबर ना? लाइन्स ऑफ फोर्स तो पॉइंट पी पे ऐसा स्ट्रेट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना? तो इसका एरिया वेक्टर कैसा लगेगा फिर? तो इसका एरिया वेक्टर पी का परपेंडिकुलर पीस है, ये एरिया से परपेंडिकुलर, राइट? ऐसे ऐसे इसका एरिया वेक्टर लग जाएगा। तो वापस थीटा कितना हो गया तुम्हारा, 0 डिग्री, तो कॉस 0 इज नथिंग बट 1। ये तुम्हारा काम हो गया, ठीक है? इस तरीके से तुम्हारा पूरा काम हो गया। तो चलो अभी इसके हिसाब से अगर मैं वर्किंग और आगे अगर करूँ तो क्या हो जाएगा, चलो तो करते हैं इसके हिसाब से वर्किंग अभी सोचते हैं। तो सेम ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, फंडामेंटल तो पूरा सेम ही है, सेम करना है। उधर क्या किया था हम लोग ने, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया था D5, इधर भी सेम फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई बार डॉट डी एस बार cos 0, बराबर? तो ये क्या हो जाएगा, इसको ई डी एस सिर्फ बचेगा, बराबर? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ D5 ओवर अ क्लोज लूप विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ऐसे ही हो जाएगा। ई तुम्हारा इंटीग्रेट होगा नहीं, इंटीग्रेट क्या होगा तुम्हारा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इस तरीके से हो जाएगा पूरा इंटीग्रेशन, बराबर? तो चलो अब ये डी एस क्या हो जाएगा, तुम्हारा सरफेस एरिया, याद करो डी एस है तुम्हारा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ दिस एंटायर सिलेंडर, बाहर के सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाए, बाहर के सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंटू लेंथ। तो इसका सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू स्मॉल आर आ जाएगा, राइट? तो मैं इसको पाई को लिख सकता हूँ ई इंटू डी एस के जगह पे सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर इंटू एल। तो सरफेस एरिया ऑफ बाहर का सिलेंडर तुम्हें मिल गया, और इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला, विच इज कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? वैसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों को ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल, बराबर? तो देखो इधर क्यू अपॉन एल तुम्हें मिल रहा है, क्यू अपॉन एल, आज ही मैंने तुम्हें सिखाया कि क्यू अपॉन एल क्या होता है तुम्हारा, लैमड़ा, है ना? क्यू अपॉन एल इज समथिंग बट लैमड़ा, तो इधर हम लोग इसको लैमड़ा लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर, तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला बन गया, ठीक है? इसमें वेरिएशन करना है तो वेरिएशन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। हाँ जितना होगा उतना ही अपन लेंगे, जितना गॉसियन सरफेस के अंदर है ना वो उतना ही क्यों मैंने कंसिडर किया इसके अंदर, एक्चुअली लिखा मैंने उधर है। तो जितना चार्जेस हम लोग लेंगे ना उतना ही वो आएगा, ठीक है? तो जितना गॉसियन सरफेस के अंदर है उसको मैंने क्यू लिया है, कूल? तो ई क्या हो गया तुम्हारा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर। अभी देखो अभी तुम पे है क्या जुगाड़ तुम्हें करना है, बराबर? तो चलो अगर अगर और अगर तुम्हें जुगाड़ अगर सीखना है ना, तुम्हें और भी जुगाड़ अलग अलग तरीके से कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। कैसे, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है तुम्हारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी याद करो,
सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा होता है तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, बराबर दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, बराबर इधर सरफेस एरिया अगर मैं बाहर के स्फीयर का लूँ तो क्या आता है तुम्हारा, क्या आता है तुम्हारा सरफेस एरिया, ऐसे ही कुछ आएगा क्यू अपॉन टू पाई इन टू स्मॉलर आ जाएगा, राइट ऐसे ही हम लोग करते थे बराबर ना। अच्छा अभी इसके अंदर अच्छा टू पाई आर एल सॉरी एल भी आएगा बराबर। अभी देखो क्यू बाय एल, क्यू बाय एल को मैं क्या लिख सकता हूँ लैम्बडा, क्यू बाय एल चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, इसको लैम्बडा लिख सकता हूँ, तो ये हो गया लैम्बडा अपॉन टू पाई आर बराबर ना, क्या हो गया ये लैम्बडा अपॉन टू पाई आर। तो चलो अभी ये सिग्मा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टू पाई आर हो गया, सो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ लैम्बडा विल बी नथिंग बट सिग्मा इंटू टू पाई आर बराबर, ये लैम्बडा इज नथिंग बट सिग्मा इंटू टू पाई आर ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो भाई इसको इसके अंदर डाल दो ना लैम्बडा को सिग्मा इंटू टू पाई आर को, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वापस तुम्हारा बदल जाएगा, और एक तुम्हें इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल सकता है, क्या मिल सकता है, इंटेंसिटी विल बी नथिंग बट वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू टू पाई आर अपॉन अपॉन स्मॉलर बराबर, सिग्मा इंटू टू पाई आर अपॉन स्मॉलर, ये सॉरी सॉरी ये कैपिटल आर है, एक सेकेंड ना इधर झोल कर दिया, ये तुम्हारा सिग्मा इंटू टू पाई कैपिटल आर अंदर का लिया ना, तो आर तुम्हारा कैपिटल होना चाहिए, ये कैपिटल आर है ठीक है, भूल गया मैं, वो क्या होता है तुम्हारा कैपिटल आर, कूल। सो इधर क्या हो गया ये तुम्हारा कैपिटल आर इस तरीके से तुम्हारा आ गया ठीक है, सो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू टू पाई कैपिटल आर, राइट तो कैपिटल आर आ गया, तो टू पाई गेला, तो ई क्या आ गया तुम्हारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये गलती मत करना मेरे ऐसा, इधर मैंने स्मॉल ये चार्ज डेंसिटी अंदर वाले के लिए लेते, कभी भी जैसे चार्जेस लेते वहां पर, तो अंदर वाले का रेडियस कितना है कैपिटल आर ना, तो इसके लिए वो उधर कैपिटल आर का टर्म आएगा, कभी भी याद रखना ये गलती मत करना फाइन। बाहर वाले का ले रहे हो तो तुम्हारा स्मॉल आर, अंदर वाले का ले रहे हो हमेशा कैपिटल आर, चार्ज डेंसिटीज जो जिधर चार्ज रहता है उसका हमें लेना रहता है, ये हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी ठीक है, इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, समझ में आया, देख लो एक बार नजर घुमा दो सब लोग, फंडा क्लियर हो रहा है तुम्हारा, देख लो सब लोग एक बार पूरा एंड टू एंड, डन डन क्या ठीक है। तो चलो आज आज के दिन का एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, तो पूरा गॉसियस लॉ एंड एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल और वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन अपन पढ़ सकते हैं सर ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं सर ठीक है। आई गेस अभी सबके फंडे क्लियर हो रहे हैं कि भाई किस तरीके से वर्किंग चलता है, क्या चलता है, कैसे चलता है, कहाँ से स्फीयर रहेगा तो क्या होगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहेगा तो क्या होगा, तो चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटफट ठीक है, देन वी आर गुड टू गो। हाँ बोल कोमल। अच्छा एब्सोल्युटली सर एक सर ठीक है चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ठीक है, चलो आ जाओ इधर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ओके, इंटेंसिटी फॉर लॉन्ग प्लेन शीट ठीक है। सभी क्या करने वाले हैं हम लोग, लंबा शीट लेंगे, लॉन्ग प्लेन शीट हम लोग लेंगे, तो चलो अभी इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, एक पेन मेरा खत्म हो गया ठीक है, तो चलो पहले तो लॉन्ग प्लेन शीट बनाते हैं, ऐसा कुछ दिखाई देगा तुम्हारा लॉन्ग प्लेन शीट,
ठीक है। तो इधर से एक्सटेंड होगा, ये इधर से एक्सटेंड होगा, इधर से भी एक्सटेंड होगा, ये इधर से भी एक्सटेंड होगा, राइट बराबर ऐसा कुछ दिखाई देगा। एंड डेफिनेटली इसके ऊपर क्या होंगे तुम्हारे चार्जेस, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएंगे तुम्हारे चार्जेस आ जाएंगे। तो चलो अभी इसके हिसाब से देखने जाएंगे तो इसे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इधर है ना, मुझे गॉसियन सरफेस में ऐसा गोल घुमा के तो ले नहीं सकता बराबर। लॉन्ग प्लेन शीट अगर हम लोग बोल रहे हैं, लॉन्ग प्लेन शीट अगर हम लोग बोल रहे हैं तो ऐसे गोल घुमा के तो ले नहीं सकता। ऐसे लेंथ में भी इसको घुमा के कैसे लू, इनफाइनेटली लॉन्ग है, देखो ना डॉटेड मैंने किया। तो इधर ना हमें इसके अंदर ही छोटे छोटे सेगमेंट हम लोग को क्रिएट करके ढूंढना पड़ेगा, इसके अंदर ही हमें जुगाड़ करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर ही हम लोग छोटा सा पार्ट लेके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ढूंढ लें। तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक फंडा ये यूज कर सकते हैं कि समझो कि इधर ही मैंने छोटा सा एक सेगमेंट इमेजिन कर लिया, विजुअलाइज कर लिया कि भाई इसके इसके ऊपर तुम लोग ढूंढ लो, ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस हो गया। तो अभी इसके ऊपर अगर तुम्हें ढूंढना है ना, तो इट विल लुक लाइक अ सिलेंडर नाउ। देखो तुम्हारा जो पॉइंट पी तुम्हें रखना पड़ेगा ना, पॉइंट पी, वो पॉइंट पी अभी हम लोग इधर ये साइड भी रख सकते हैं, दोनों साइड पे रख सकते हैं हम लोग पॉइंट पी, जो भी तुम्हारा सरफेस रहेगा ना ये पॉइंट पी तुम्हारा, इधर भी हम लोग रख सकते हैं। और देखो ये एक्सटेंडेड वर्जन पीछे से भी तो निकलेगा बराबर, पीछे से भी तो निकलेगा, तो इधर से भी तो निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है, राइट। दोनों साइड से तुम्हारा इंटेंसिटी निकल सकता है। तो इधर से भी अगर ये वेक्टर निकलेगा तो इंटेंसिटी वेक्टर इधर से भी निकल सकता है और इंटेंसिटी वेक्टर तुम्हारा इधर से भी निकल सकता है, राइट। दोनों भी तरीके से तुम्हारा दोनों एंड से तुम्हारा इंटेंसिटी वेक्टर ऐसे निकल सकता है। चलो अब इसका एरिया वेक्टर, अभी एरिया वेक्टर ऐसे इधर से परपेंडिकुलर लेके कुछ मतलब नहीं, राइट है ना, इधर से परपेंडिकुलर लेके कुछ मतलब नहीं ये वाला एरिया वेक्टर लेके। तो एक ही एरिया वेक्टर तुम्हारा बचता है, कौन सा, कि भाई इधर से विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी, बिकॉज कॉस 90 जीरो होता है, तो इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट से इधर से भी आ सकता है और इधर से भी तुम्हारा आ सकता है, राइट, दोनों साइड से आ सकता है। तो इन शॉर्ट अभी तुम्हें जो भी कैलकुलेशन करना होगा वो दो बार करना पड़ेगा कैलकुलेशन। कैसे, तो देखो इधर से एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स विल बी नथिंग बट क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा एक पहला फ्लक्स बराबर फाइव परपेंडिकुलर सॉरी फाइव पैरेलल प्लस फाइव डैश पैरेलल, मतलब इधर का एक फ्लक्स और इधर का एक फ्लक्स, दोनों साइड का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो इधर का फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बराबर। तो इधर हम लोग ये पॉइंट पी बोल दो, इसको पॉइंट पी डैश बोल दो, पी पी डैश, ठीक है, ऐसे करके मैंने दो नाम दे दिया, पॉइंट पी एक साइड और दूसरे साइड पे पी डैश। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप विल बी नथिंग बट ई डी एस, मैं नाम दे सकता हूँ ई डी एस, कॉस जीरो ही होने वाला है, राइट। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं ई डी एस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई डी एस फॉर पॉइंट पी प्लस लाइन इंटीग्रल और क्लोज लूप ई डी एस फॉर पॉइंट पी डैश, ऐसे करके तुम्हारा दो पॉइंट आ जाएगा बराबर। चलो तो अभी इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इमेजिन करो ई डी एस बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन तो होने वाला है नहीं, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डी एस का होगा। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर पॉइंट पी प्लस इधर लिख सकता हूँ ई इंटीग्रेशन ऑफ ds for point p dash, तो दोनों ds 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 में नेट एरिया ही बोल दूँ इसको, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो इसको नेट एरिया पूरा जितना टोटल एरिया कंसिडर करेंगे उतना टोटल एरिया इधर कंसिडर कर लेते हैं। तो फ्लक्स विल बी नथिंग बट ई ए प्लस ई ए विल बी नथिंग बट योर टू ई ए बराबर, ये टू ई ए हो जाएगा, ये होता है तुम्हारा फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो भी इधर चार्जेस हम लोग लेंगे वो क्यू चार्ज रहेगा बराबर। तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अगर ये दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो टू ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इंटेंसिटी विल बी नथिंग बट व्हाट, इंटेंसिटी हो जाएगा तुम्हारा क्यू क्यू अपॉन, नहीं डायरेक्शन जीरो नहीं होगा, ये फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स निकाल रहा हूँ ना, फ्लक्स निकाल रहा हूँ, तो क्यू हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके तुम्हें मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो,
और क्यू अपॉन ए क्या होता है तुम्हारा सिग्मा, और अच्छा ये टू भी है नीचे बराबर, तो क्यू अपॉन ए क्या होता है तुम्हारा सिग्मा राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो क्यू अपॉन ए का जो टर्म है दैट इज समथिंग बट सिग्मा। तो इंटेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, ये इंटेंसिटी फॉर अ लार्ज प्लेन शीट इज समथिंग बट हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये सबको समझ में आया, हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ लॉन्ग प्लेन शीट। देखो समझ में आया, अरे देखो एकदम सिंधी लॉजिक है रे, कुछ नहीं है इसके अंदर, सी आई टेल यू, इसके अंदर ना एकदम सिंपल लॉजिक है। ये इधर का एक ये 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 इतना से मैंने गॉजियन सरफेस ले लिया और पॉइंट भी इधर कंसिडर किया, तो इसका गॉजियन सरफेस कैसे आएगा, अरे लीनियर ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, लीनियर गॉजियन सरफेस ही लेना पड़ेगा। तो लीनियर इट लुक्स लाइक सिलेंडर, तो इधर मैंने क्या किया दोनों का, इधर इधर भी मुझे फ्लक्स निकालना पड़ेगा, इधर भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज चार्जेस एक साइड पे थोड़ी ना है, पीछे भी तो आ सकते हैं ना चार्जेस इसके बराबर। तुम्हारे मोबाइल एक शीट ले लो तो सामने के साइड भी चार्जेस आ सकते हैं, पीछे के साइड भी आ सकते हैं, तो बस वही तो मैंने किया यहाँ पर। तो देखो इधर 5p 5p डैश दोनों को EDS EDS डाल दिया, कॉस तो जीरो ही है, DS तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाँ पाइप इटसेल्फ इज अ गॉसियन सरफेस, तो EA हो गया और ये भी EA हो जाएगा, दोनों EA EA तो 2EA, और ये तुम्हारा फ्लक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्जेस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डाल दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया तुम्हारा काम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्यू अपॉन ए सिग्मा होता है। तो देखो तुम्हारा फॉर्मूला वापस देखो, देखो फर्स्ट स्पीयर का क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इसका क्या था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, नोटिस करो स्क्वायर चला गया दोनों आर से, फॉर्मूला सेम ही है बराबर। इधर आ गया हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा जो इरेगुलर शेप रहता है ना, इरेगुलर शेप इधर बाजू में लिख देता हूँ, जो तुम्हारा रहता है इरेगुलर शेप इधर लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरेगुलर इरेगुलर शेप, ये इरेगुलर शेप का इंटेंसिटी आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ स्पीयर इज वन अपॉन, चलो सिर्फ सिग्मा वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वन अपॉन वाला नहीं लिख रहा हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, इंटेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इंटेंसिटी ऑफ प्लेन शीट इज हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखो पूरा फ्लो समझ में आया, रट्टा होता होना चाहिए अभी ये सब तो। हाँ सरेश देखो ये अभी रट्टा होना चाहिए तुम्हें, स्पीयर का फॉर्मूला इधर से स्क्वायर हट गया, इधर आर का टर्म ही हट गया और इधर ये आधा हो गया, देख लो सबको सब कुछ समझ में आया, पूरा स्क्रीन देख लो, डिड यू गेट इट, ये सब कुछ देख लो, इतना सब लिख दिया, कुछ ज्यादा ही लिख दिया मैंने। इधर ये दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इधर भी टर्म्स ऑफ लैम्बडा एक फॉर्मूला आता है और ये एक फॉर्मूला आता है, और ये लॉन्ग प्लेन शीट। ठीक है ओके, तो आज अपना गॉसियस लॉ और एप्लीकेशन अपना एंड टू एंड पूरा हो गया, समझ में आया कुछ, मजा आया क्या आज के लेक्चर में इतना सारा कुछ बता दिया, मजा आया ना, चलो ग्रेट ग्रेट, इतना कुछ अपन ने कर दिया, कुछ ज्यादा ही कर दिया। हाँ ऐसा खुशी से बोल कोमल थोड़ा, ठीक है बाकी लोग अरे म्यूट हो गया, हाँ 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 अरे हो गया था म्यूट हो गया था,
ठीक है, समझ में आया सबको, फंडामेंटल्स क्लियर? अरे मैं इससे ज्यादा पढ़ाने वाला था आज, फिर भी मैंने, अरे देखो मैंने बेसिक्स रिवाइज करवाया ना तुम्हें पूरा, वो सब तो आना ही चाहिए, अगर वही नहीं करवाता तो ये सब कहाँ से आता तुम लोग को, है ना? तो इसके थोड़ा बेसिक्स करवाया, बेसिक्स के बाद अपन ने इस पे जंप किया, तो इसके लिए थिंग्स वेंट वेल। तो गॉसेस लॉ और एप्लीकेशन, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल करेंगे, वर्क डन करेंगे, पोटेंशियल वर्क डन पूरा खत्म कर देंगे फिर, ठीक है? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मजा आया ना, बस मिलते हैं फिर अगले बार मिलते हैं, ठीक है? चलो आई विल एंड इट हियर टुडे, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय बाय, यस यस, बाय 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 बाय, यस।